घर में शंख रखने और बजाने के ये है 11 आश्चर्यजनक लाभ। मित्रों, पूजा पाठ में शंख बजाने का चलन युगों युगों से है। देश के कई भागों में लोग शंख को पूजा घर में रखते हैं और इसे नियमित रूप से बजाते हैं। ऐसे में यह उत्सुकता एकदम स्वाभाविक है कि शंख केवल पूजा अर्चना में ही उपयोगी है या इसका सीधे तौर पर कुछ लाभ भी है। मित्रों, सनातन धर्म की कई ऐसी बातें हैं जो न केवल आध्यात्मिक रूप से बल्कि कई दूसरे रूप से भी लाभदायक है। शंख रखने, बजाने व इसके जल का उचित इस्तेमाल करने से कई तरह के लाभ होते हैं। कई फायदे तो सीधे तौर पर सेहत से जुड़े हुए हैं। मित्रों, आगे चर्चा की गई है कि पूजा में शंख बजाने और इसके इस्तेमाल से क्या क्या लाभ होते हैं, तो आइए आगे बढ़ते हुए वीडियो में। ऐसी मान्यता है कि जिस घर में शंख होता है वहाँ लक्ष्मी का वास होता है। धार्मिक ग्रंथों में शंख को लक्ष्मी का भाई बताया गया है, क्योंकि लक्ष्मी की तरह शंख भी सागर से ही उत्पन्न हुआ है। सागर की गिनती समुद्र मंथन से निकले 14 रत्नों में होती है। शंख को इसलिए भी शुभ माना गया है क्योंकि माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों ही अपने हाथों में इसे धारण करते हैं। पूजा पाठ में शंख बजाने से वातावरण पवित्र होता है। जहाँ तक इसकी आवाज जाती है, इसे सुनकर के लोगों के मन में सकारात्मक विचार पैदा होते हैं। अच्छे विचारों का फल भी स्वाभाविक रूप से बेहतर होता है। शंख के जल से विष्णु, लक्ष्मी आदि का अभिषेक करने से ये दोनों प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा प्राप्त होती है। ब्रह्मा वही वर्त पुराण में कहा गया है कि शंख में जल रखने और छिड़कने से वातावरण शुद्ध होता है एवं वास्तु दोष दूर होता है। शंख की आवाज लोगों को पूजा अर्चना के लिए प्रेरित करती है। ऐसी मान्यता है कि शंख की पूजा करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इससे दुष्ट आत्माएं पास नहीं भटकती हैं, वातावरण शुद्ध होता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि शंख की आवाज से वातावरण में मौजूद कई तरह के जीवाणुओं, कीटाणुओं का नाश हो जाता है। कई टेस्टों से इस तरह के नतीजे प्राप्त हुए हैं। आयुर्वेद के मुताबिक शंखोदक के भस्म के उपयोग से पेट की बीमारियां, पथरी, पीलिया आदि कई तरह की बीमारियां दूर होती हैं। हालांकि इसका उपयोग एक्सपर्ट वैद्य की सलाह से ही किया जाना चाहिए। शंख बजाने से फेफड़े का व्यायाम होता है। पुराणों में जिक्र मिलता है कि अगर श्वास का रोगी नियमित तौर पर शंख बजाए तो वह बीमारी से मुक्त हो सकता है। शंख में रखने वाले पानी का सेवन करने से हड्डियां मजबूत होती हैं। ये दांतों के लिए भी लाभदायक है। शंख में कैल्शियम, फास्फोरस व गंधक के गुण होने की वजह से ये फायदेमंद होता है। वास्तुशास्त्र के मुताबिक भी शंख में ऐसे कई गुण होते हैं जिससे घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है। शंख की आवाज से सोई हुई भूमि जागृत होकर के शुभ फल प्रदान करती है। तो मित्रों, ये वीडियो आपको कैसे लगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स पर अवश्य दें। और अगर चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा।